अभी एक और कोई जगह यहाँ पे हमें दिखी है, तो अभी यहाँ चलते हैं अंदर पहले। और वहाँ नदी बह रही है छोटी सी। अच्छा, यहाँ पे प्री वेडिंग शूट होते होंगे लोगों के। नीचे पानी का बहाव देखियो। सो गाइज, हम आ गए हैं यहाँ पे, शेफ बेकर्स करके कोई जगह है। सो गाइज, मैं 15 मिनट पहले पहुँच गया फाइनली। सो ये मैगी पॉइंट के यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा पुल है, और ये अपना दोनों साइड झरना। एक और मैगी पॉइंट, जंतवाल मैगी पॉइंट। एक रिवर साइड पे तीन तीन मैगी पॉइंट बना दिए इन्होंने। धंधा करो तो बड़ा करो परसोत्तम भाई, वरना मत करो। ये हम मिनी ट्रैक पे जा रहे हैं। A few moments later. So guys, मैगी तो खा ली, अब चल रहे हैं हम आगे की ओर। देखते हैं और क्या क्या व्यू हम इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए, अभी एक और कोई जगह यहाँ पे हमें दिखी है, तो अभी यहाँ चलते हैं अंदर पहले। तो ये एक और कोई यहाँ पे रुकने वाली जगह है। ये क्यूट सा कैफे है यहाँ पे, और यहाँ पे एक ऐसे नदी बह रही है उतर के। फिलहाल यहाँ चलते हैं। सो ये यहाँ पे है जगह, और वहाँ नदी बह रही है छोटी सी। सो ये रही वो नदी। सो गाइस, अभी हम घाट वाले रास्ते से जा रहे हैं, जो थोड़ा लोकल आइट एरिया पड़ता है अंदर अंदर से। मैं एक बात बताऊं कि रक्षित ने अभी गाड़ी पिछले 2-3-4 किलोमीटर बिना उसके चलाई है, बिना स्टार्ट करे, क्योंकि पूरा स्लोप पे था और पूरी ढलान हम ऐसे ही उतरे बिना गाड़ी स्टार्ट करें। तो ये बहुत अलग एक्सपीरियंस था, बढ़िया था। तो ये है अंदर अंदर से कोई गांव का रास्ता। आई डोंट नो, ये अभी दिख पा रहा है लोगों को, नहीं दिख पा रहा, बट चलो। तो ये बीच में एक और ब्रिज पड़ रहा है पानी के ऊपर, तो यहाँ से हम सुनसान रास्ते से। अच्छा, यहाँ पे प्री वेडिंग शूट होते होंगे लोगों के। नीचे पानी का बहाव देखियो। ओ मैं हल्द्वानी का एक अलग ही नजारा देख रहा हूँ। रक्षित ने मुझे इनसाइड टूर दिया है पूरा, जो नॉर्मल लोकल्स को पता होता है सिर्फ। और आज इसने मुझे इनसाइड टूर पूरा हल्द्वानी का दे दिया। आज मैं हल्द्वानी को एक अलग नजरिए से देख रहा हूँ। जो एरिया है ना, रक्षित बता रहा है कि ये घाट वाला एरिया है, तो अभी तो शाम को नहीं जलाते, तो यहाँ पे डेड बॉडीज जलाई जाती हैं इस एरिया में नीचे। नाउ दिस सीम्स स्कैरी। सो गाइस, अभी मैं जो आपको घर दिखाऊंगा ना, वो है गेमर फ्लीट का, एक बहुत ही फेमस गेमर है, और सौरभ के ब्लॉग्स में काफ़ी बार देखा होगा आपने। ये है गेमर फ्लीट का घर। Much, much, much later. Guys, आ गई शाम की चाय, आप बना के लाए हो। हेलो। सो गाइज, अभी बज रहे हैं 7, और यहाँ अभी अंकल प्लान कर रहे हैं कहीं बाहर जाने का, कह रहे हैं आसपास कोई छोटी सी जगह है वहाँ चलते हैं, और मेरी ट्रेन है 8:30 बजे की, पर इन्होंने प्रॉमिस किया कि मुझे टाइम से वहाँ छोड़ देंगे। और रक्षित बहुत कॉन्फिडेंट है
कि आपकी ट्रेन मिस नहीं होगी भाई, आप पहुंच जाओगे 8:30। और हल्द्वानी इतना वो नहीं है कि आप दिल्ली जितना सोच रहे। तो मैं रक्षित की बात पे विश्वास करके चल रहा हूँ। बाय रक्षिता, मिलते हैं जल्दी, या तो आप उस साइड आना या तो मैं जब चक्कर लगाऊंगा तो हम मिलेंगे, ठीक है। कीप वॉचिंग तरुण कुराना व्लॉग्स। और हमने देखा दो दो लार्ज फाइटर पायलट की। हाँ बिल्कुल, ट्विनिंग कर रहे हैं हम। ट्विनिंग अम्मा, अरे अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मिलते हैं जल्दी, ध्यान रखो आप अपना, ठीक है, चलो बाय बाय। सो गाइस, अब वक्त आ चुका है निकलने का यहाँ से, तो अब वो नीचे उतर रहे हैं और आसपास देखते हैं कहीं कहाँ क्या खाते हैं और फिर हम निकलेंगे अपना स्टेशन के लिए। बट थैंक यू रक्षित घुमाने के लिए, बहुत बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टाइम आना, और अच्छी जगह जाएंगे, और अच्छी जगह जाएंगे। हमने मैंने रक्षित के साथ पहले ही प्लान कर लिया कि अगर नैनीताल में बर्फ पड़ने वाली जनवरी में तो हम चलेंगे। चलो बैठो। सो गाइज, हम आ गए हैं यहाँ पे, शेफ बेकर्स करके कोई जगह है, एंड ओके, सो दिस इज ऑर्डर की है अचारी, नहीं स्पेशल चाप, मिक्स वेज और तंदूरी रोटी। तो अभी हम वो खाएंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे स्टेशन के लिए। तो ये है चाप, चाप लग रही है मुझे शक्ल से, तो तंदूरी चाप। रुको जरा, सबर करो। ये थी, ये था मशरूम, ये रही हमारी चाप। यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा। सो गाइस, हम आ गए काठगोदाम रेलवे स्टेशन, मिनी मॉन्यूमेंट काठगोदाम का, छोटी ट्रेन, और हम आ गए अपने रेलवे स्टेशन। लगा आपका एसी की यही है। चलो आंटी, बहुत मजा आया, बहुत अच्छे से आपने ध्यान रखा। तुम अगली बार आना और लंबी छुट्टी लेकर आना, लंबी छुट्टी लेकर, ध्यान रखो। ओके बेटे, बाय बाय। अब आप भी चक्कर लगाना दिल्ली, ठीक है। सो आ गई अपनी ट्रेन यहाँ प्लेटफॉर्म पे है, और यही है रानी खेत एक्सप्रेस, B2 पे जाना है। सो गाइज, मैं 15 मिनट पहले पहुंच गया फाइनली, और अब चलना है अपने कोच की तरफ। इस अपना B2 आ चुका है और चलते हैं अंदर। सो गाइज, हम लोग ट्रेन में आ चुके हैं फिलहाल, एंड सामान रख दिया। पहले मुझे लगा कि मेरी साइड लोअर बर्थ है या साइड अपर, जो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, बट ये है ऊपर की। कोई बात नहीं यार, मेरे को मिस हो रहा है मेरा कैमरा, क्योंकि अब जाती मुझे अपने सर्विस स्टेशन में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो सही चलेगा यार, वरना। चलिए चलते हैं घर की ओर, 5-6 दिन बिता लिए एक तरह से, और अब मौका है घर जाने का, वापसी। देखते हैं नेक्स्ट ट्रिप क्या होती है। हाय, चले गुम्मी चले, मुझे कोको की रिश्तेदार मिली है यहाँ स्टेशन पे। क्या बात है, आप कोको को जानते हो? चलो बाय बाय। सो ठंड तो बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पे भी, मतलब अब घर जा रहे हैं यार, 5 दिन हो गए एग्जैक्टली बाहर ट्रिप पे, एंड आई होप आपको मजा आ रहा होगा। सो ये सीरीज देखे, एंड सो यस, सो दिस सीरीज ऑफ जिम कॉर्बेट एंड नैनीताल, अभी हम यही इसको आज एंड करते हैं। तो प्लीज़ ऐसे ही लाइक करते रहिए एंड फॉलो करते रहिए, क्योंकि मैं डेली ब्लॉग्स लेके आता हूँ हर दिन, एंड कीप लविंग तरुण खुराना ब्लॉग्स। तरुण खुराना साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय बाय, गुड नाइट।